नमस्कार, मैं ऑस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी मित्रों यंग जेनरेशन में एक ऐसी टर्मोलॉजी जो आप भी सुनते होंगे ब्रेकअप जैसी टर्मोलॉजी प्रेम की आसक्ति की पूर्ति के अभाव के कारणवश कब तक चलता है आपका प्यार हम किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम संबंध के रिश्ते टूट जाते हैं किसी न किसी ये इन किन प्रकारेण जब रिश्ते टूटते हैं तो उसे ब्रेकअप का नाम दिया गया है जो वर्तमान समय के युवा पीढ़ी के लिए एक दर्दनाक सा साबित होता है मित्रों हम लोगों के समय में अर्थात तीस वर्ष पहले जाएंगे तो ऐसी टेक्नोलॉजी की सुनने की जो गुंजाइश होती थी बहुत कम होती थी वर्तमान समय में इस भागदौड़ की जीवन में यंग जनरेशन से संबंधित जो बच्चे हैं वह ज्यादा समझदार हो गए हैं तार्किक रूप से अपने आप को प्रदर्शित करते हैं आपकी बातों में यदि आप लॉजिकली उसे समझाते हैं तो बच्चों के जेहन में वो बात आती है यदि आप पूजा उपासना की बात करते हैं तो यंग जनरेशन में बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे पिछले 19 वर्षों के अंतराल में हमारे बच्चों ने हमसे ही सवाल पूछा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं अर्थात भगवान के अस्तित्व को कैसे प्रमाणित कर सकते हैं मित्रों जबकि वह बच्चे आस्तिक आस्तिकवाद से युक्त है नास्तिक नहीं है फिर भी उनको जानने की जिज्ञासा होती है यदि हम कुछ पूजा उपासना की बात करते हैं तो उनका सवाल होता है कि हम ऐसी पूजा करने से हमें कौन सा प्रॉफिट मिलेगा हम, हमें किस लाभ तक पहुंचने की गुंजाइश में हम एंट्री करेंगे जेम्स स्टोन की पहनने की यदि बात की जाती है तो उसे कतराते हैं कि जीवंत व्यक्तित्व है निर्जीव पदार्थ विशेष जेम्स स्टोन को हम क्यों धारण करें मित्रों ऐसी बहुत सारे सवाल यंग जेनरेशन के सापेक्ष बच्चे पूछते हैं अर्थात बच्चे तार्किक तरीके से यदि आप एक्सप्लेन करते हैं तो उसी यथाशीघ्रता में उसे पसंद करते हैं एक्सेप्ट करते हैं उनकी स्वीकारता की जो पद्धति होती है वो बड़ी लाजवाब होती है मित्रों यंग जनरेशन के इस व्यवस्था में भाग दौड़ की जिंदगी में ब्रेकअप जैसी व्यवस्थाएं दुर्व्यवस्थाओं व्यवस्थाओं का आगमन सामान्य तरीके से हो चुका है अर्थात किसी व्यक्ति विशेष से यदि आप प्यार करते हैं तो कब तक चलने वाला है प्यार आपका यदि प्यार टूटता है दिल आपका टूटता है उसे उस टॉक्नोलॉजी के तहत ब्रेकअप का नाम दिया गया है मित्रों कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं हमारे जन्म कुंडली में कौन सा भाव इसके लिए जिम्मेदार है यहां मैं पति पत्नी के सहसंबंध की बात नहीं करता हूं मित्रों वैवाहिक जीवन की स्थापन के पहले आप किसी भी व्यक्ति विशेष से प्यार करते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात मैं कर रहा हूं प्रेमी प्रेमिका की बात कर रहा हूं दो एक जोड़ी के रूप में दो लवर्स की बात करता हूं मित्रों जब प्यार टूटता है जब भावनाएं समदनाएं सिमटती हैं जब दिल टूटता है अर्थात जब रिश्ते टूटते हैं तो ब्रेकअप होने लगता है अर्थात उसे ब्रेकअप का नाम दिया गया है वर्तमान मौजूदा काल में हम कुंडली और ग्रहों के विश्लेषणात्मक प्रविधि के तहत उस टेक्निक के तहत हम कैसे जान सकते हैं अपनी कुंडली का स्वयं अध्ययन करते हुए हम कैसे जान सकते हैं कि जिस व्यक्ति विशेष से हम प्यार कर रहे हैं कब तक चलने वाला है आपका प्यार हमारा प्यार अर्थात ब्रेकअप की गुंजाइश है अथवा नहीं है मित्रों इसी बिंदु क्रम में एक छोटी सी व्याख्यान चूंकि कई सारे ऐसे बच्चे हैं उनका सवाल था कि गुरुजी इस संदर्भ में भी एक छोटी सी व्याख्यान अपने YouTube के माध्यम से यह जानकारी की मुहैया कराएं मित्रों प्रथमतः ब्रेकअप के मूल कारण क्या है कौन सा ग्रह जिम्मेदार है आपके लग्न कुंडली के बारह भाव में कौन सा भाव जिम्मेदार है एक छोटी सी सामान्य तरीके से समझाने के प्रयास में हमारे कुछ मिनट तक के अंतराल तक के लिए जो मैं वक्तव्य शैली का इस्तेमाल कर रहा हूं इसे समझने की आप चेष्टा करें मित्रों प्रेम की आसक्ति भाव की यदि बात करते हैं प्रेम संबंध की जो फीलिंग मोड होती है जो भावनाएं संवेदनाओं वाली उपागम की बात करते हैं अर्थात उस तथ्यात्मक जो भी फीलिंग है उस फीलिंग मोड जो प्रेम की आसक्ति से जुड़ी होती है इसका एकमात्र जिम्मेदार ग्रह शुक्र है मित्रों शुक्र ही प्रेम सुख का कारक है प्रेम की भावनात्मक व्यवस्था आपकी सुंदर तब है जब आपकी जन्म कुंडली में शुक्र बेहतरीन अवस्था में है मित्रों मन की व्यवस्था को चंद्रमा डिसाइड करते हैं अर्थात मन जब सुंदर है मन में साफ सुथरे तरीके से मानसिक स्वच्छता का भाव सुंदर है अर्थात आपका चंद्रमा सुंदर है जब मन में कोमलता का भाव है मन में माधुर्यता का भाव है मिठापन का भाव है जब मन सुंदर होता है तो प्रेम संबंध के स्थापन में आप यथाशीघ्रता में आप एंट्री कर जाते हैं मित्रों अर्थात नौ ग्रहों की व्यवस्था में ना आपको सूर्य से मतलब है ना शनि से मतलब है मंगल राहु केतु बृहस्पति से कोई आपको मतलब इस प्रेम की आसक्ति के संदर्भ में नहीं है जहां चंद्रमा मन है शीतल प्लैनेट है वहीं शुक्र प्रेम की आसक्ति का मूलभूत कारक ग्रह है मित्रों पंचम भाव अर्थात तनु भाव जो लग्न का भाव होता है लग्न भाव से क्रमशः आप कैलकुलेशन दूसरा तीसरा चौथा पंचम अर्थात पंचम भाव जो अमूमन ऐसा कहा गया है शिक्षा का भाव है संतान का भाव है परंतु मित्रों पंचम भाव प्रेम संबंध के भाव को भी इंगित करता है तीन मूलभूत रूप से ऐसे फैक्टर हैं अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और शुक्र दूषित ना हो पीड़ित ना हो वह सुंदर व्यवस्था में बने हुए हो दिग्बली हो अच्छी राशि में हो अच्छे भाव में हो वहीं पंचम भाव का जो अधिपति ग्रह है उस ग्रह की व्यवस्था में सुंदरता का भाव होना चाहिए अर्थात पंचम भाव का अधिपति ग्रह पीड़ित ना हो नीच का ना हो सूर्य से अस्त ना हो उस पंचम भाव पर क्रूर ग्रह राहु, केतु सूर्य शनि मंगल की स्थिति या दृष्टिगत रिलेशन ना हो मित्रों यंग जेनरेशन के बच्चों में प्रेम की प्रेम संबंध के स्थापन की जो व्यवस्था होती है उसमें कमी कब आती है जब आपका शुक्र पीड़ित होता है शुक्र कब पीड़ित होता है अर्थात आपकी जन्म कुंडली में छठा भाव आठवां भाव और बारहवां भाव में शुक्र की स्थिति ना हो इसके अलावा छह अंक कन्या राशि का शुक्र ना हो शुक्र और सूर्य की युति हो अर्थात सूर्य से निस्तेज ना हुआ हो शुक्र शुक्र अस्त ना हो मित्रों जब शुक्र पीड़ित होता है तो प्रेम करने की गुंजाइश की व्यवस्था में यदि आप एंट्री करते हैं इसके बावजूद भी आपकी वही कहानी होती है कब तक चलेगा आपका प्यार शुक्र दोष है तो मित्रों ब्रेकअप की संभावना बढ़ने लगती है कोई ना कोई माध्यम की इंक्लूडेड इंक्लूडेस संलग्नता का भाव आपके उस संबंध की व्यवस्था में शामिल हो जाता है चंद्रमा दूषित होता है तो मन से उस सुंदर भाव के आगमन की उस प्रतीकात्मक मोड को अप्लाई नहीं कर पाते हैं मन में अशांत व्यवस्था बनी रहती है चित्त की चंचलता बनी रहती है व्यग्रता का शिकार हो जाते हैं जब मन में शांत की भाव की व्यवस्था में कमी आने लगती है तो आपके व्यक्तित्व में ठहराव का योग नहीं होता है और इस वजह से आप गलती कर जाते हैं और आपकी प्रेमिका या आपका प्रेमी आपसे दूर चला जाता है अर्थात चंद्रमा और शुक्र ही मूल कारण है आपके संबंध स्थापन में कमजोर करने के लिए ब्रेकअप का मूल कारण नौ ग्रहों की श्रृंखला में चंद्रमा और शुक्र को ही माना गया है पंचम भाव में आप अपनी कुंडली के तहत सामान्य तरीके से वर्तमान मौजूदा काल में भी आप हमारी बातों को सुनते हुए अपनी लग्न पत्रिका को खोलें और लग्न अर्थात पहले भाव से पांचवां भाव पंचम भाव में तत्क्षण आप यह देखें सूर्य शनि राहु केतु या मंगल की स्थिति तो नहीं है आपका शुक्र छठे अष्टम और बारहवें भाव में तो नहीं है आपका चंद्रमा आठ अंक वृश्चिक राशि का होते हुए नीच का तो नहीं हो गया है आपका शुक्र कन्या राशि छह अंक में विराजमान तो नहीं है अर्थात दरिद्र योग की निर्मित तो नहीं है मित्रों ब्रेकअप अर्थात आपका प्यार टूटने वाला तो नहीं है आपका प्यार कब तक चलने की उस संभाव्य काल में आप हैं प्रथमतः आप अपने जन्म कुंडली के तहत चंद्रमा और शुक्र का परीक्षण कर लें अपने पंचम भाव और पंचम भाव के अधिपति ग्रह का परीक्षण कर लें मित्रों जिनका चंद्रमा और शुक्र पंचम भाव और पंचम भाव का अधिपति ग्रह की पोजीशन में सुंदरता होती है ब्रेकअप जैसी व्यवस्था का आगमन उसके लाइफ में कभी नहीं होता मित्रों एक छोटी सी इस बिंदु क्रम में अर्थात सामाजिकता की इस व्यवस्था में संबंध का स्थापन जो भी होता है उसमें मजबूती का आना, आना बहुत जरूरी होता है मित्रता का संबंध हो प्रेम का संबंध हो पति पत्नी का संबंध हो परंतु माता पिता का संबंध हो पुत्र का संबंध हो माता और पुत्र का संबंध हो फिर भी मित्रों यंग जेनरेशन में युवा अवस्था में प्रेम की आसक्ति की बढ़ोतरी का होना लाजमी है जैसे छोटे बच्चे को मां के गोद की आवश्यकता पड़ती है किशोरी अवस्था में भाई बहनों का सानिध्य में रहना जरूरी होता है उसी प्रकार युवा अवस्था में कभी भी ऐसा होता है कि जब ब्रेकअप का योग बनता है तो दिल टूटता है मन टूटता है भावनाएं सिकुड़ती हैं और व्यक्तित्व में कमी आने लगती है प्रैक्टिकलिटी का विकास अवरोध में आने लगता है और मित्रों ब्रेकअप के इस वजह से बहुत सारा बहुत सारे लोगों की व्यवस्थाएं खराब हुई है मित्रों एक छोटी सी चर्चा के तहत ब्रेकअप का मूलभूत कारक ग्रह कौन है हमारे लग्न कुंडली के बारह भाव में पंचम भाव मुख्य तरीके से जिम्मेदार है तत्क्षण आप परीक्षण करें मित्रों इसी चर्चा के तहत मैं ऑस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी नमस्कार